दोस्तों रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, जहां एक ओर यूक्रेन के सहयोग के लिए नाटो सैन्य संगठन खड़ा हुआ है, वहीं रूस अकेले लड़ रहा है। हालांकि रूस अकेला भी कम नहीं पड़ता, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है, क्या रूस को चीन का साथ मिलने वाला है? चीन और अमेरिका के बीच तनाव किसी से छिपा नहीं है। अब चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका को मिर्ची लग सकती है। एक तरफ तो जहां दोस्तों चीन रूस को अपना फुल सपोर्ट दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को भी हर तरफ से अपने पाले में ही रखना चाहता है। भारत और रूस की दोस्ती को तो हम सब जानते हैं दोस्तों, इसलिए रूस ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ जो उसकी जंग जारी है, उसके बावजूद भी भारत को S-400 की सप्लाई वो टाइम पर करेगा। और इस कदम को रूस और भारत की दोस्ती में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। भारत और रूस परंपरागत साझेदार हैं। रूस से रक्षा सौदों के तहत भारत को कई बड़े हथियार मिलते रहे हैं। इसी बीच रूस भारत को S-400 की खेप बिल्कुल सही समय पर देने जा रहा है, और रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें कोई देरी नहीं होगी। रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स की डिलीवरी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी, जिसके बाद भारत ने भी रूस को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। यानी कि रूस को अपने दो सबसे ताकतवर दोस्तों भारत और चीन का समर्थन एक साथ मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने चीन के साथ रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है। अब चीन ने अपने रक्षा मंत्री को रूस और उसके करीबी बेलारूस की यात्रा पर भेजा है। रक्षा मंत्री ली शांगफू का ये दौरा ये बताने के लिए काफी है कि चीन इन स्थितियों में रूस और बेलारूस के साथ है। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध के बीच ही रूस और बेलारूस को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। ऐसे में चीनी रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। शांगफू ने अपना 6 दिनों का दौरा कल से शुरू किया। इस दौरान वो कई अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कई अहम मसलों पर वार्ता कर सकते हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर उन्हें अलग थलग करने की मांग की है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा मंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने बताया कि ली 6 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मॉस्को में आयोजित एक इंटरनेशनल सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही रूस और बाकी देशों के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सार्गी लावरोव भी सम्मेलन में कई मसलों को संबोधित करने वाले हैं। बताया गया है कि करीब 100 देशों और 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस का जो यूक्रेन पर हमला है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी और रूसी नेताओं ने कई मुद्दों पर अलग अलग तरीकों से रणनीतिक संपर्क बनाए रखा है। उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों समेत व्यापक विषयों पर संपर्क बना हुआ है। उनकी माने तो दोनों देश नए युग में चीन रूस व्यापक रणनीति सहयोग साझेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह से यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने कहा था। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। कॉन्फ्रेंस में चीनी रक्षा मंत्री की मौजूदगी को पश्चिमी देशों को एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। रूस से ली रूस के करीबी बेलारूस की यात्रा पर भी जाएंगे। पिछले साल यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने आंशिक तौर पर बेलारूस की जमीन का प्रयोग हमले के लिए किया था। चीन की तरफ से बताया गया है कि ली बेलारूसी नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज का दौरा भी करेंगे। चीन संघर्ष में तटस्थ होने का दावा करता है, मगर दूसरी तरफ वो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर रूस को उकसाने का आरोप लगाता आया है। जंग के बीच ही उसने रूस के साथ मजबूत आर्थिक, राजनयिक और व्यापारिक संबंध कायम रखे हैं। एक तरफ तो दोस्तों जहां रूस को चीन का खुलकर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दोस्तों रूस भारत को भी अपने पाले में रखने के लिए भारत को हर तरीके से खुश करना चाहता है। और दोस्तों इसी कड़ी में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो कि रूस को भारत को देना है। रूस का कहना है कि यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस भारत को तय समय पर दे देगा S-400, और इसकी डिलीवरी की जो समय सीमा है
वो नहीं बढ़ेगी। सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की ओर से आयोजित आर्मी 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में रूसी संघीय के प्रमुख दिमित्री शुगाएव ने कहा कि S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का उत्पादन तय समय पर है। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के लिए उपकरणों की डिलीवरी तय समय सीमा के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसका भारत को होने वाले डिलीवरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400 की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी। रूसी रक्षा निर्यात से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रूस 2018 में भारत के साथ किए गए $540 करोड़ के सौदे के तहत तय समय सीमा के मुताबिक 2024 के आखिर तक 2 S-400 प्रणाली उपलब्ध करा देगा। रूसी अधिकारी ने बताया कि रूस के साथ भारत ने 5 S-400 का समझौता किया था, जिनमें से 3 भारत को सौंपे जा चुके हैं। बाकी के जो 2 बचे हुए हैं उनका काम जल्द पूरा हो जाएगा। इन्हें 2024 के आखिर तक भारत को सौंप दिया जाएगा। वहीं S-400 बनाने वाली कंपनी मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री शुगाएव ने कहा कि रूस ने जिन भी देशों से हथियार के सौदे किए हैं उन्हें तय समय सीमा पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब दोस्तों, रूस का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि इससे पहले इसी साल मार्च में भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर आशंका जताई थी और इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि रूस टाइम पर उसे डिलीवर नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, रूस ने इन्हीं अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए साफ साफ ये कह दिया है कि भारत उसका परम मित्र है और भारत से जो S-400 का करार किया गया है वो बिल्कुल टाइम पर किया जाएगा ताकि भारत की सभी रक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन हाल ही में मिली थी। इस यूनिट को पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया गया था। अब नए स्क्वाड्रन को चीन से लगी LAC पर तैनात किया जा सकता है। भारत को चीन और पाकिस्तान के रूप में 2 मोर्चों पर 2 दुश्मनों से निपटना है। ऐसे में S-400 की तय समय पर होने वाली डिलीवरी से अभी से चीन पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।